छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के चुनाव के लिए शनिवार को नामांकन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख थी। तो वहीं बिलासपुर रायपुर के एकता पैनल और दुर्ग रायपुर के जय सराफा पैनल के सदस्यों ने नामांकन फॉर्म जमा कर दिया है। इन दोनों ही पैनल के बीच में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। तो वहीं नामांकन फॉर्म लेने का क्रम जो है वो 5 जून से शुरू हुआ था और एक दिन पहले तक सिर्फ बिलासपुर के एकता पैनल से अध्यक्ष के लिए कमल सोनी, महासचिव के लिए प्रकाश गोलछा और कोषाध्यक्ष के लिए हर्षवर्धन जैन ने नामांकन जमा किया था, लेकिन आखिरी पारी में आखिरी दिन में दुर्ग और रायपुर सराफा के अधिकारियों ने मिलकर जय सराफा पैनल बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। अध्यक्ष पद के लिए दुर्ग सराफा के प्रकाश साखला और महासचिव पद के लिए रायपुर के उत्तम गोलछा के साथ ही कोषाध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म जमा किया गया है। जय सराफा पैनल के सदस्य जितेंद्र गोलछा ने इंडियन न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि निश्चित ही चुनाव कुछ देर से हो रहा है, लेकिन मैं सबसे निवेदन करता हूं कि ऐसे प्रत्याशी को चुने जो सबको साथ लेकर चले। ये जिसको आज जय व्यापार पैनल ने अपना नामांकन दाखिल किया है और सभी व्यापारियों से जो इस चुनाव की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और जो वोट मताधिकार का प्रयोग करेंगे उनसे एक ही चीज निर्णय करेंगे, ऐसे वरिष्ठ और ऐसे सुलझे हुए जो निरंतर करते आए सेवा और आज वो जो लोग आज जो आपके सामने समर्पित प्रत्याशी हैं, ऐसे निष्पक्ष व्यापारी जो हमेशा आधी रात के हमारे सहयोग के लिए खड़े रहे, ऐसे पैनल को चुनिए और ऐसे सहयोग के साथ सभी संभाव से किसी प्रकार का कोई और निश्चितता से और बढ़िया निश्चल होकर सभी मतदान करें, जरूर पधारे 23 तारीख। जिस हिसाब से चुनाव आयोग चुनाव करवाता है उसी आधार पे हमने भी पूरा उसका लिस्ट बनाया है, किस तारीख को उनका नाम आएगा, कब हम उनको छांटेंगे, कब हम उसको वापस करेंगे और कितने दिन का समय देंगे और कब चुनाव होगा, ये पूरी प्रक्रिया उन्हीं से हमने उतारी। आज फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख शाम के 5 बजे तक की है, 8 जून को शाम के 5 बजे तक, 9 को स्क्रूटनी होगी, 10 को स्क्रूटनी होगी, 11 को लिस्ट टंग जाएगी, 11 शाम के 5 बजे तक नाम वापस लेना है, 12 को फाइनल सूची टंगेगी, 13 को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा, 23 यदि मतदान होगा तो मानस भवन पुजारी पार्क में मतदान होगा, सवेरे 10:30 बजे शाम 4:30 बजे तक। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।